हमने वैसे तो सिम्पसन्स के बहुत सारे प्रेडिक्शंस के बारे में सुना है और बहुत बार ये प्रेडिक्शंस हमें काफी ज्यादा शॉक करती हैं, पर क्या इनमें से ज्यादातर प्रेडिक्शंस सचमुच इतने शॉकिंग हैं या इन प्रेडिक्शंस के पीछे कुछ खास ऑब्वियस रीजंस थे। आज की इस वीडियो में हम सिम्पसन्स के कुछ ऐसे ही आइकॉनिक प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कुछ के तो रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, वहीं पर कुछ प्रेडिक्शंस तो सचमुच शॉकिंग हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट साल 2017 से लेकर साल 2021 तक थे। बट बहुत बार मीम में आपने ये सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इस बात का प्रेडिक्शन साल 2000 में ही सिम्पसन्स के सीजन 11 के एपिसोड 17 यानी पार्ट टू द फ्यूचर में ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जो कि बहुत सारे लोग को शॉकिंग फील होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर आज से नहीं है, और उन्होंने 1987 से ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में रजिस्टर और अफिलिएट किया है। स्पेसिफिकली साल 2000 के अंदर ट्रंप ने कैलिफोर्निया और मिशिगन प्राइमरीज की तरफ से रिफॉर्म पार्टी कैंडिडेट थे साल 2000 के यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और जमाने में ट्रंप पॉलिटिकल करियर के साथ साथ एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते थे, जिसके कारण उनका अपीयरेंस मूवीज और टीवी शोज में हुआ करता था। इसीलिए सिम्पसन्स ने यहाँ पर एक बहुत ही फनी स्केच उनका क्रिएट किया था। लेकिन कोइंसिडेंटली इस एपिसोड के अंदर जो एलिवेटर वाला सीन था, ट्रंप का वो एलिवेटर वाला पिक्चर लिया गया, जो कि काफी माइंड ब्लोइंग था। अब बहुत सारे लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस को, जो आज एक काफी नॉर्मल चीज बन चुके हैं, इसके इन्वेंशन को 1995 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था। स्पेसिफिकली सीजन 6 के एपिसोड 19 लीजाज वेडिंग के अंदर, जहां पर एक्चुअली ह्यू नाम का कैरेक्टर अपनी वॉच से बात करता हुआ नजर आता है। अब ट्रुथ टू बी टोल्ड, इस तरह के हाईटेक स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट पॉप कल्चर और मूवीज और मीडिया के अंदर बहुत पहले से है, जहां पर 1930s के डिक ट्रेसी कॉमिक बुक के अंदर इस तरह के वॉच का कॉन्सेप्ट पहली बार रिलीज किया गया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट को कई सारे पॉप कल्चर मीडियम ने अलग अलग जगह पर उठाया था, जिसमें ऑफ कोर्स सिम्पसन्स भी किसी से पीछे नहीं थे। बट हाँ, इसी तरह के साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट्स ने रियल लाइफ के एप्पल वॉच को इसे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए इंस्पायर जरूर किया है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेडिक्शन नहीं, काइंड ऑफ अजम्पशन ही थी। अब जैसा कि ये शो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर बनता था, तो यहाँ पर ये शो सटायर के लिए फॉक्स को भी टारगेट करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं रहता था। लेकिन 1998 के सीजन 10 के एपिसोड नंबर 5 में यहाँ पर सिम्पसन्स के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया जिसे आप एक्चुअल प्रेडिक्शन मान सकते हैं, जहाँ पर एक सीन के अंदर बेसिकली 20th सेंचुरी फॉक्स को अ डिविजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी बताया गया था, जहाँ पर ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ था। रियल लाइफ में ये एक्विजिशन मार्च 2019 में शुरू हुई, जहाँ पर डिज्नी ने फॉक्स को $71 बिलियन के अंदर खरीदा। अब ऑफ कोर्स इसे कॉर्पोरेट सटायर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उस जमाने में डिज्नी और फॉक्स दोनों ही बड़ी जायंट प्रोडक्शन कंपनीज थी, जिसके कारण शायद यहाँ पर फॉक्स को चिढ़ाने के लिए इस तरह के स्केच को पुल ऑफ किया गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सटीक। और बात जब सटीकता की आती है, तो सिम्पसन्स के 1990 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 यानी 2 Cars in Every Garage एंड 3 Eyes on Every Fish काफी ज्यादा नोटिस की जाती है, जिसके अंदर एक्चुअली हमें 3 आंख वाली मछली देखने को मिली थी, जो बेसिकली एक न्यूक्लियर रेडिएशन का नतीजा थी, जिसने बेसिकली इसे म्यूटेट कर दिया था। खैर, इसके ठीक 10 साल बाद रियल वर्ल्ड में अर्जेंटीना के अंदर एक फिशरमैन को ऐसी फिश मिली जिसके सचमुच 3 आंखें थी, और ये भी न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से ही म्यूटेशन का जिम्मेदार थी। अब अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, तो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन के अंदर यूक्रेन में मौजूद चेर्नोबिल के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिससे पूरी दुनिया हिली थी। और उसी इंसिडेंट के बाद रियल वर्ल्ड के आसपास के फार्मर्स की तरफ से कई सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स आने लगे थे, जिसमें न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से उनके एनिमल्स के अंदर कई सारी डिफॉर्मिटीज और म्यूटेशन उन्हें देखने को मिल रही थी। सिम्पसन्स ने बेसिकली इसी चीज का एग्जांपल बड़ी फनी तरीके से अपने शो के अंदर इम्प्लीमेंट किया, बट वहीं पर फिश वाला इंसिडेंट काफी ज्यादा मैच हो गया। 1993 का जमाना था, जब सिम्पसन्स के सीजन 4 एपिसोड 21 यानी द मार्च इन चेंज में एक ग्लोबल पेंडेमिक को दिखाया गया था, जिसकी शुरुआत एक्चुअली जापान के ओसाका में होती है, जिसके कारण इसे सिम्पसन्स की दुनिया में ओसाका फ्लू बुलाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसके रियल वर्ल्ड पैरेलल्स को कोरोना वायरस के रूप में देखा गया, जहां पर रियल वर्ल्ड में इसका कल्प्रिट जापान तो नहीं बल्कि चाइना का वुहान था,
लेकिन बावजूद 1993 में सिम्पसन्स ने ऐसा कुछ टीवी पर दिखाया था, लेकिन उनसे कई सालों पहले और भी कई सारे मीडियम्स ने इस चीज को काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कर लिया था। जहां पर 1981 की डीन कूंट्स की नॉवल द आईज ऑफ डार्कनेस के अंदर तो उन्होंने वुहान 400 नाम का वायरस सीधे सीधे मेंशन किया था। एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की शुरुआत वहीं से हुई थी। इसके अलावा सिल्विया ब्राउन की 2008 की किताब एंड ऑफ डेज के अंदर भी कुछ इसी तरह की बीमारी और वायरस दुनिया के अंत के लिए जिम्मेदार बताई गई थी। फाइनली साल 2017 में रिलीज हुई फ्रेंच कॉमिक्स एक्सट्रिक्स के अंदर एक पूरा का पूरा कैरेक्टर था जिसका नाम कोरोना वायरस था। ऐसे में मेरे हिसाब से कोरोना वायरस को प्रेडिक्ट करने का क्रेडिट सिम्पसन्स को उतना नहीं देना चाहिए जितना इन नॉवेल्स और अदर मीडियम्स को देना चाहिए। लेकिन इन सब में सब कुछ फनिया मजाक ही नहीं था, इनमें से कुछ सचमुच क्रीपी प्रेडिक्शंस भी थीं। एग्जांपल के लिए 1998 की सीजन 10 के एपिसोड 2 यानी द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस की बात करते हैं, जहां पर एक्चुअली होमर सिम्पसन खुद को एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट साबित करना चाहता है और वो बेसिकली चौक बोर्ड पर कुछ लिखता हुआ नजर आता है। वेल, बहुत सालों बाद इस चीज को डिकोड करते हुए ब्रिटिश साइंस राइटर साइमन सिंह ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली हिग्स बोसोन डिस्कवरी के काफी ज्यादा करीब था। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है और इसकी खोज 2012 में सर्न में हुई थी। उनके हिसाब से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता तो यहाँ पर हिग्स बोसोन का मास थोड़ा ही ज्यादा होता रियल हिग्स बोसोन के नैनो मास से, और वो काफी ज्यादा शॉक में थे कि आखिर 1998 में इस शो के अंदर इस चीज को इस तरह से कैसे दिखाया गया। इसके अलावा 1993 में ही रिलीज हुए सिम्पसन्स के सीजन 5 के एपिसोड 10 के अंदर हम एक व्हाइट बंगाल टाइगर और उसके मालिक गंथर और अर्निस्ट की जोड़ी को दिखाया जाता है, जहां पर एक हादसे में टाइगर स्टेज पर ही अपने हैंडलर को घायल कर देता है। वेल, यहां पर ये जोड़ी बेसिकली एक सीधा रेफरेंस थी सिगफ्रिड नाम के टाइगर और रॉय नाम की उसके हैंडलर की, जिस पर भी रियल लाइफ में टाइगर ने एक्चुअली अटैक किया था। बस फर्क यहां पर ये था कि ये अटैक एपिसोड के एयर होने के 10 साल बाद हुआ। आई मीन डेफिनेटली इस चीज को फनी दिखाने के लिए शो के अंदर इस चीज को किया गया होगा। ऑल्सो जंगली जानवरों को आप लोग कितना भी करीब क्यों ना कर लो, वो आपके ऊपर पलटवार जरूर करते हैं। ऐसे में ये चीज काइंड ऑफ इनएविटेबल ही थी और ये मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस ही था। सीजन 23 के एपिसोड नंबर 22 के अंदर स्प्रिंगफील्ड के अंदर लेडी गागा के परफॉर्मेंस को दिखाया गया था, जहां पर वो बेसिकली तार से झूलती हुई अपने परफॉर्मेंस को देती हैं। बट सबसे चिलिंग फैक्ट ये है कि 2017 में लेडी गागा ने सुपर बोल के हाफ टाइम के अपने परफॉर्मेंस के दौरान इसी स्टंट को पुल ऑफ किया था। एंड डेफिनेटली बहुत सारे फैंस ने एक्चुअली इस बात को नोटिस किया। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये एक प्रेडिक्शन था, कोइंसिडेंस था कि लेडी गागा ने खुद सिम्पसन से इंस्पिरेशन ले ली थी? इसके बाद साल 2007 में इतने सालों तक टीवी पर आने के बाद फाइनली सिम्पसन्स की अपनी मूवी रिलीज की गई, लेकिन इस मूवी के अंदर भी प्रेडिक्शन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। और बेसिकली इसके अंदर एक्चुअली इस बात को दिखाया गया कि अमेरिका की NSA लोगों की बातों को सुनती है और उन्हें मॉनिटर करती है। फाइनली 2013 के एडवर्ड स्नोडन के रिवील के बाद पता चला कि NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी सचमुच ऐसा करती थी और बेसिकली उनके कई सारे सचमुच के सीक्रेट सर्विलेंस प्रोग्राम्स थे। वेल, अमेरिकन सिटीजंस गवर्नमेंट सर्विलेंस को लेकर हमेशा से ही क्रिटिकल थे, बट इस चीज ने उनके शक को पक्का कर दिया था। फाइनली अगर यहाँ पर सबसे बड़े बोन चिलिंग प्रेडिक्शन की बात की जाए तो वो हमें देखने को मिला था 2006 के सीजन 17 के एपिसोड नंबर 10 के अंदर, जिसके अंदर होमर बेसिकली एक ऐसे इंसान से मिलता है जो उसे लगता है कि वो उसका पिता है, और वो बेसिकली अपने पिता के साथ समुद्र की गहराइयों में दो सबमर्सिबल के साथ जाता है एक पुराने शिप को ढूंढने, जहां पर प्रॉब्लम आती है और होमर वहां पर जाकर अटक जाता है। वेल, ये चीज बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है जून 2023 में हुए टाइटन सबमर्सिबल वाले हादसे में, जहां पर बेसिकली एक पिता और बेटी की जोड़ी भी उस टाइटन सबमर्सिबल के अंदर थी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन से सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस के बारे में जानते हैं, हो सकता है हम इस वीडियो का जल्दी ही पार्ट 2 भी बना दें। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।